Here is a question. The freezing point of solution containing 0.2 gram acetic acid in 20 gram benzene is lowered by 0.45 degree Celsius. Calculate the degree of dimerization of acetic acid in benzene. Kf for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole inverse. Okay. तो आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन बताना है. डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो ना फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इनटू अल्फा. डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन मतलब कि आपको ये अल्फा कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए देखो I इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी वो 1 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, देखो डाइमराइजेशन हो रहा है मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं यहां पर, एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, एक दूसरे से कंबाइन हो गए. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. क्योंकि n क्या होता है कि जब आयोनेशन हो गया मतलब कि डिसोसिएशन हो गया उसके बाद कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और एसोसिएशन के बाद कितने आयंस आपको वहां पर एसोसिएशन के अंदर दिख रहे हैं. तो एसोसिएशन कितना होगा, दो मॉलिक्यूल्स का होगा, दो एसिटिक एसिड क्या होगा आपस में एसोसिएट हो गए. तो n के लिए कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 इनटू अल्फा. तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस का 0.5 इनटू अल्फा. ठीक है, तो इसे आप सिंपलीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इनटू अल्फा. तो अगर आपको अल्फा बताना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, i कैलकुलेट करना पड़ेगा. I कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपको बोला है कि जो भी आपका यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है कितना हुआ है, 0.45 डिग्री सेल्सियस. तो यहां से आप बता सकते हो कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू I इनटू केएफ इनटू मोलिलिटी. डेल्टा टीएफ कितना दिया है, 0.45 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू I, हमें तो कैलकुलेट करना है. केएफ दिया है आपको केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स में, इसे आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे. क्यों, क्योंकि इसके यूनिट और इसके यूनिट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. इसको जब आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5.12 डिग्री सेल्सियस पर मोलल हो जाएगा. ठीक है, चलिए इनटू मोलिलिटी. अच्छा मोलिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास वापस नहीं है, देखो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही हो जाएगा. तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, 0.2 ग्राम. सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो, गिन लेना, ये हो जाएगा आपके पास एसिटिक एसिड ना CH3COOH, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 60. कितना जाएगा मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का, 60 इनटू, अब क्या बचा, वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है, सॉल्वेंट का वेट दिया है 20 ग्राम, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो इसे 1000 से डिवाइड करो, वो कहां चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा. बस यहां सब आपको आई कैलकुलेट करना है, कितना जाएगा 0.45 इनटू 60 इनटू 20 अपॉन 5.12 इनटू 0.2 इनटू 1000. इसे सॉल्व करना है, ये आ जाएगा आपके पास 0.527. तो ये तो क्या गया आपके पास, वांटर फैक्टर आई, इसको उठाओ यहां पुट करो, 0.527 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 अल्फा. बस 0.527 माइनस 1 कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 0. अल्फा आ जाएगा, इसे सॉल्व करना है, यहां पर जो आपके पास अल्फा आएगा ये आ जाएगा आपके पास 0.945. तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, कितना जाएगा 0.945. तो हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन.